आज हम पढ़ेंगे कुछ वो और क्वेश्चन जो हमारे थ्री मार्कर में आ सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वो हो सकता है अक्षर किसे कहते हैं। तो अगर पूछा जाए अक्षर किसे कहते हैं, तो वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस में होता है। ठीक है, या तो आप कोई एक ध्वनि बोल रहे हो या ध्वनि समूह बोल रहे हो, तो उसका अगर उच्चारण आप एक सांस में कर पा रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? अक्षर। जैसे क ख ग घ ण, आपने इसका उच्चारण एक सांस में किया हर एक ध्वनि का या हर एक अक्षर का, तो अक्षर क्या है? अक्षर ध्वनि का लिखित स्वरूप है। ये भी पूछा जा सकता है थ्री मार्कर में कि ध्वनि का लिखित स्वरूप किसे कहते हैं। तो ध्वनि का लिखित स्वरूप कहलाता है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर वह ध्वनि या ध्वनि समूह है जिसका उच्चारण एक सांस में होता है। ठीक है, इसमें हमारी तीन लाइन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है शब्द किसे कहते हैं। अब शब्द का किसे कहते हैं को हम इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं कि निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला लग, ठीक है, तो अब लग लग भी एक क्या है? शब्द है, बट वो एक सार्थक समूह, एक वो सार्थक शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में अपूर्ण है। अब लग मतलब क्या, कहाँ लग? पर नॉर्मली हम शब्द में किनको डालते हैं? जो एक सार्थक अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे राम, समझ आ रहा है कि एक बंदा है। घर, समझ आ रहा है कि एक वस्तु है। पेड़, समझ आ रहा है कि एक जीव है। ठीक है, पेड़ों में भी जान होती है। तो शब्द क्या है? वे निश्चित, वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ध्वनि किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या अक्षर या वर्ण समूह जो एक सांस में आपके मुख से निकलता है वो क्या कहलाता है? ध्वनि। तो ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अक्षर या वर्ण समूह के रूप में मुख से निकलती है, ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण समूह किसे कहते हैं? विभिन्न वर्णों का योग वर्ण समूह कहलाता है। थ्री मार्कर में मोर देन इनफ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्णमाला किसे कहते हैं। ये थ्री मार्कर में आपसे पूछी जा सकती है। तो वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम या वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमाला को हम पुनः विभाजित किस आधार पर करते हैं? तो देखो, उच्चारण व समय की दृष्टि से वर्णमाला को स्वर, व्यंजन व अयोगवह में पुनः विभाजित किया जाता है। स्वर टोटल है 11, व्यंजन है 33, अयोगवह है 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री मार्कर बन सकता है स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर वे मौलिक वर्ण हैं जिनके उच्चारण में वायु निर्बाध गति से, मतलब हमारे फेफड़ों से जब वायु निकले तो उसमें कोई रुकावट ना आए, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं स्वर। ठीक है, अर्थात वे वर्ण जो बिना किसी सहायता से लिखे व बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। कुल स्वर हैं 11, जिन्हें चार भेदों में पुनः विभाजित किया गया है। तो पहला आता है आपका लघु स्वर। लघु स्वर की यदि हम बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है, मतलब इजीली हम उसको बोल देते हैं, जैसे अ ई उ, यहां पर बड़ी ई नहीं आएगा, आप याद रखें। ठीक है, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है वह समय की गिनती एक में की जाती है, या एक छंद मात्रा या लघु मात्रा में की जाती है, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। अब देखो, लघु मतलब था छोटा, तो लघु का उल्टा हो जाता है दीर्घ। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या है, अब उच्चारण में लघु से थोड़ा सा ज्यादा समय लगने वाला है। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे? हम लिखेंगे वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है। कितना? 2 गुना समय लगता है। समय की गिनती कितने में की जाती है? 2 में की जाती है। पहले समय की गिनती कितने में होती थी? 1 में। अब समय की गिनती कितने में होती है? 2 में। तो इसे हम कहते हैं गुरु स्वर, दीर्घ स्वर, और इसकी जो मात्रा होती है वो कहलाती है गुरु मात्रा। इसमें हम लेते हैं बड़ा आ, बड़ी ई,
बड़ा उ। अब आता है संयुक्त स्वर। अब देखो, वो स्वर जो दो स्वरों या दो भिन्न वर्णों के मेल से बना हो, ऐसा स्वर क्या कहलाता है? आपका संयुक्त स्वर। वस्तुतः इन स्वरों के उच्चारण में जो समय है वो दो गुना लगता है, इसीलिए ये स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो ऐसे संयुक्त स्वर चार हैं, ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। आपको याद रखना है कि ये चारों किसमें आते हैं? संयुक्त स्वर में आते हैं। नेक्स्ट है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर की बात अगर हम करें तो लुप्त में लुप्त और प्लुप्त आप याद रखना, जिसमें आधा प हो, प्लुप्त और लुप्त, इन दोनों में एक ही सी डेफिनेशन आती है नॉर्मली। तो लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जो उच्चारित तो होते हैं परंतु लिखे नहीं जाते, जिनके उच्चारण में वस्तुतः तीन गुना समय लगता है। ठीक है, कौन से स्वर? जो उच्चारित होते हैं परंतु लिखे नहीं जाते, व जिनके उच्चारण में तीन गुना समय लगते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह होता है एन नंबर ऑफ टाइम एस। ठीक है, या हम तीन बार एस लिख के डॉट 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 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके लुप्त स्वर। जैसे हम बोल रहे हैं राम, तो एक बार रा और म लिखने के बाद हम जो ये म को हमने जो तान खींचा है, म में जो अनुनाद दिया है, उसे हम क्या एस एस से डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है मूल स्वर, किसे कहते हैं? तो मूल स्वर हम किसे कहते हैं? अ को। अ अनार को हम मूल स्वर कहते हैं। इसे दोस्तों ईश्वर प्रदत्त स्वर भी माना जाता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो मूल स्वर का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है और पूरी बारह खड़ी इसी मूल स्वर अ से निर्मित है, याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री मार्कर में आ सकता है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर वे स्वर है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, वो स्वर आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनकी मात्रा भी तीन में होती है और चिन्ह होता है ट्रिपल एस। ठीक है, आप याद रखें इस बात को। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रयत्न। ठीक है, तो प्रयत्न किसे कहते हैं? अब प्रयत्न किसे कहते हैं, अगर आपसे आ जाए क्वेश्चन तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। तो देखो, प्रयत्न मतलब होता है कि जैसे हम वर्ण को उच्चारित करते हैं, जैसे मैंने बोला क, अब मैंने बोला घ, घ, ण, तो अब हर वर्ण के उच्चारण में मेरा जो फेफड़े हैं उनसे वायु एक अलग गति में निकल रही है। जब स्वर बोलते हैं हम आ, तो इजीली वायु निकल रही है। जब बोलते हैं ल, तो थोड़ा सा कंपन होता है जिह्वा पे। र बोलते हैं तो जिह्वा और ज्यादा कंपित करती है। तो हम जितना प्रयत्न हमारे फेफड़ों को लगाना पड़ता है किसी भी वर्ण के उच्चारण में, उसको हम बोलते हैं प्रयत्न। ऐ समझ, फिर से समझे, जैसे मैंने बोला आ, फेफड़ों में ज्यादा प्रयत्न नहीं हुआ। अब मैंने बोला र, फेफड़ों पे थोड़ा सा कंपन, फेफड़ों के आधार पर थोड़ा सा जिह्वा में कंपन हुआ। ल, थोड़ी सी जिह्वा पे लुढ़कपन आया। तो इन सब के आधार पर हम क्या, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रयत्न। ठीक है, तो प्रयत्न क्या है? वर्णों के का उच्चारण करते समय विभिन्न उच्चारण अवयव किस स्थिति व गति में है, इसका अध्ययन हम प्रयत्न के अंतर्गत करते हैं। मतलब आपको कोई भी वर्ण बोलते समय आपके फेफड़े और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के आधार पर जिह्वा में कितना प्रयत्न हुआ वो आपका क्या कहलाता है? प्रयत्न। नेक्स्ट आता है स्वर। तो स्वर तो आप वही लिखेंगे, वे जो निर्बाध गति से वायु निकलती है उच्चारण में, पर स्वर के उच्चारण में हम मुख्यतः तीन भेद रखते हैं। एक होता है अग्र, मध्य, पश्च। तो हमारी स्वर जो मध्य से निकलता है वो है अ। अग्र भाग से निकलता है ई, ई, ए, ए। आप चाहें तो इसे बोल भी के भी देख सकते हैं पॉज करके। मध्य से निकलता है अ, अग्र से निकलता है ई, ई, ए, ए, पश्च से निकलता है आ, ऊ, ऊ, छोटा ऊ, ओ, बड़ा ऊ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्वर आता है वो आता है व्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी क्या? जिसमें आपके होंठ क्या है की स्थिति गोलाकार होती है। ठीक है, तो इसको हम किस आधार पर देखते हैं? होंठ की स्थिति के आधार पर। तो व्रतमुखी में हमारा होंठ पूरा गोल हो जाता है, जैसे ओ, तो ये हो गया आपका व्रतमुखी। अव्रतमुखी क्या? जिसमें आपके होठों की स्थिति गोल नहीं होती है। ठीक है, जैसे अ, ई, ई, बड़ी ई, इनमें हमारा होठ जो है वो गोल नहीं होता है।
ठीक है, तो ये होते हैं व्रतमुखी और आव्रतमुखी। उसके बाद आते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन वो व्यंजन होते हैं, देखो अभी हमारे स्वर हो गए कंप्लीट, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो पहला जो व्यंजन है वो आता है स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी मतलब क्या? वो सारे व्यंजन जो किसी स्वर के स्पर्श से उच्चारित हो रहे हैं। मतलब जैसे क, तो हम जब क लिखते हैं तो क पे हलंत लगाते हैं प्लस अ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम? ये क लिखते हैं प्लस बनाते हैं फिर यहाँ अ बनाते हैं, ठीक है? अ थोड़ा अच्छा नहीं बना, खैर। तो ये हमने बनाया अ, तो ये क पे हलंत लगता है। तो जब इस हलंत के साथ अ जुड़ेगा तभी वो पूरा जो क नॉर्मली हम लिखते हैं वो बनता है, ठीक है? तो स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिन या वे वर्ण जिनका के पूर्ण उच्चारण के लिए आपको स्वर की सहायता होती है। मतलब स्पर्शी व्यंजन क्या है? जो उच्चारण में स्वर की सहायता मांगते हैं वे व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक के टोटल जो आपके 25 व्यंजन है वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थ्री मार्कर है जो बहुत बार आ भी चुका है एग्जाम में, अनुनासिक, ठीक है? तो अनुनासिक वो आपके स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जो वायु है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जैसे चांद, आप बोलकर देखें, चांद आपके नाक और मुख दोनों से हल्की सी वायु प्रवाह होगी, तो इसे हम बोलते हैं अनुनासिक। कौन से शब्द या कौन से स्वर? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका से भी वायु निकलती है या नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अनुनासिक कहलाते हैं। इनका चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु। तो अनुनासिक में कौन सी बिंदु लगती है? चंद्र बिंदु। उसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार की अगर हम बात करें तो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है अनुस्वार, जो मुख्यतः कहाँ से निकलता है? आपकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे चंदन, तो जब आपने चंदन बोला तो ये जो न की बिंदी है ये इसकी वायु आपकी नाक से निकली है। तो अनुनासिक में क्या है? मुख और नाक दोनों, और अनुस्वार में केवल आपकी नासिका से वायु का प्रवाह होता है। उसके बाद आपसे थ्री मार्कर में पूछा जा सकता है विसर्ग किसे कहते हैं। तो देखो विसर्ग क्या है? विसर्ग एक महाप्राण सूचक या एक स्वर है, ठीक है, जिसको हम एक दो डॉट से प्रेजेंट करते हैं। आपको यही लिखना है थ्री मार्कर के अकॉर्डिंग, विसर्ग एक महाप्राण सूचक स्वर है, ठीक है, जो किससे प्रदर्शित किया जाता है? दो बिंदु से। उदाहरण राम, प्रातः, अतः, संभवतः, ये सब विसर्ग शब्द कहलाते हैं। अब आता है संघर्षी। संघर्षी मतलब क्या? संघर्ष कोई जो व्यंजन है जिसको आपको उच्चारित करते समय फेफड़ों से आई जो वायु है वो संघर्ष करके आपके मुख से बाहर निकले तो वो कहलाएंगे संघर्षी। जैसे मैं बोला ख, तो ख आप बोल के देखें, आपको थोड़ा सा भार का अनुभव होगा आपके फेफड़ों पर भी और गले के मध्य भाग में भी। तो वे व्यंजन जो उच्चारण समय इसमें फेफड़े से निकली वायु किसी अन्य अवयव को स्पर्श करे, जैसे मैंने बोला घ, तो ये गले के बीच में थोड़ा सा ऐसा कंपन सा फील हुआ तो उसको हम बोलते हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से आयु वायु किसी अवयव को स्पर्श करके निकलती है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन कुल 25 हैं जिन्हें हम 5 वर्ग में विभाजित करते हैं। थ्री मार्कर के अकॉर्डिंग आप ये पूरी तरीके से यही लिख सकते हैं, लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी और पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, मतलब ज्यादा देर तक आपको संघर्ष करना पड़े उच्चारण के लिए, ठीक है, और उच्चारण में बाद वाला जो भाग है वो ज्यादा संघर्षी हो जाता है वो आपका स्पर्श संघर्षी कहलाता है। जैसे च, छ, तो आप जैसे च आपके जो होंठ से निकल रहा है उसके बाद आप देख रहे हैं कि हल्का सा कंपन आपके पश्च भाग में हो रहा है तो ये कहलाते हैं आपके स्पर्श संघर्षी। जैसे च, छ, ज, झ, ये कैसे वर्ण है? ये स्पर्श संघर्षी व्यर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आता है आपका संयुक्त व्यंजन। तो ये तो आप लिख सकते हैं, इजी सा है कि दो व्यंजनों के मेल से निर्मित व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे श, त्र, ज्ञ, श्र, तो देखो जो श है ये किससे मिला है? क और श से,
बना है त और र के मेल से, ज्ञ बना है ज और ण के मेल से, और श्र बना है श और शक्कर का और र के मेल से, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। उसके बाद आ जाते हैं नासिक्य। नासिक्य मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख्यतः नाक से निकले वो कहलाते हैं नासिक्य, जैसे ण ण ण न म। तो इनमें जो वायु है वो नाक से प्रवाहित हो रही है तो ये नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। अब पार्श्विक व्यंजन। देखो पार्श्विक व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है नॉर्मल टेस्ट सीरीज में हमें देखने को मिलता है। तो पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए, ठीक है। अब जैसे बोल लो ल, तो ल जब बोलते हो तो जीभ जो है वो तालु को छूती है, मतलब ऊपर वाले भाग को ल, पर जो हवा है वो जब आपका होंठ मुड़ा तो वो आसपास से हवा बाहर निकलती है, ल का उच्चारण होता है, तो इसे हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु पार्श्व में से हवा निकल जाए पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में केवल एक पार्श्विक व्यंजन है जिसे हम बोलते हैं ल, ठीक है। उसके बाद है प्रकंपी व्यंजन। प्रकंपी व्यंजन की अगर हम बात करें तो प्रकंपी मतलब क्या, जिसमें कंपन हो, ठीक है, उसको हम प्रकंपी बोलेंगे। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा में दो या तीन बार कंपन करना पड़े उसे हम बोलते हैं प्रकंपी व्यंजन। र, र में देखो आपकी जीभ तीन से चार बार कंपन करती है तो र कैसा व्यंजन है, र एक प्रकंपी व्यंजन कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें तो जब आप कोई वर्ण बोले और आपकी जीभ का जो आगे का भाग है वो ऊपर उठ के झटके से नीचे आ, जैसे ट ठ ड ण, आप बोल के देखें ट ठ ड ढ, तो इसमें आपकी जो जीभ है उसका आगे वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है फिर झटके से नीचे आता है, इसे हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग को थोड़ा सा ऊपर उठकर नीचे से नीचे झटके से फेंकते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ड ड ट ठ, ये सारे इसी प्रकार के व्यंजन हैं। अब आते हैं संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर, ठीक है। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमें ज्यादा संघर्ष नहीं कहना करना पड़ता इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना संघर्ष से बाहर निकलती है वे संघर्षहीन ध्वनियां कहलाती है, जैसे य व संघर्षहीन या अर्धस्वर है। उसके बाद आ जाता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की बात करें तो वे वर्ण जो भाषा व लिपि में प्रचलन में है किंतु वर्णमाला में स्थान नहीं पाते हैं द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। मतलब क्या, ये हम वर्णमाला में तो लिख रहे हैं पर ज्यादा इनका यूज नहीं है, ठीक है, ज्यादा वर्णमाला में स्थान नहीं पाते परंतु भाषा में ये लिपि में प्रचलन में, जैसे हम लिखते हैं पढ़ना गढ़ना जाना ढूंढना, तो ये यहाँ यूज में आते हैं पर वर्णमाला में इनको अधिक महत्व नहीं दिया जाता है और इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, तो ये व्यंजन क्या कहलाते हैं, आपके द्विगुण व्यंजन। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है इस टाइप के क्वेश्चन में वो है लुंठित स्वर किसे कहते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग बहुत ज्यादा कंपन करे लुंठित स्वर कहलाते हैं, इसका उदाहरण है र, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बेसिक थ्री मार्कर में देखने को मिलते हैं और जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें थ्री मार्कर हिंदी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो जो बाकी के क्वेश्चन होते हैं उसमें किसी न किसी के कुछ कुछ मार्क्स कटते ही हैं, ठीक है, किसी के फॉर्मेट बेसिस पे कट जाते हैं या किसी के कन्वर्ट उसमें कट जाते हैं ट्रांसलेशन में, तो थ्री मार्कर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होता है और अगर हम अच्छी डेफिनेशन लिखे थ्री मार्कर में तो वो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा स्कोरिंग के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।